रीडिंग पाली, पाली पढ़ो, पाली पढ़ो के एपिसोड हैं वो बार बार आप रिपीट करते रहें, बच्चों को सिखाते रहें और उनको गुनगुनाते रहें, और हो सके तो उनका वीडियो बनाकर अपने रिश्तेदारों को भेजते रहें। पाली का इससे आसान तरीका, इससे बड़े तरीका और कोई नहीं है सीखने का, क्योंकि सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो बुद्ध की फिलॉसफी को जानते हैं और मानते हैं, वो अपने बच्चों को पूरी दुनिया में सुबह को इसको रिपीट कराते हैं, ताकि उनको गुणों के बारे में पता चले कि बुद्ध के, धम्म के, संघ के गुण किस तरह के होते हैं और कैसे होते हैं। पाली साथ में आएगा शरण गमन, यानी कि जो शरण है उसमें कैसे गमन करते हैं, उसमें कैसे जाते हैं। तो शरण गमन को, शरण गमन का मतलब होता है, शरण का मतलब होता है कि किसी के साथ जाना। शरण का मतलब ऐसा नहीं होता कि हाथ जोड़ के उसके पैरों में लेट गए, जैसा कि भारत में आज के समय में कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। तुम मेरी शरण में का मतलब लोग कहते हैं कि तुम मेरे चेले बन जाओ और दंडवत मुझे नमस्कार करो लेट कर और मेरी आज्ञा का पालन करो, जैसा है। यहां शरण का मतलब ये नहीं है, शरण का मतलब होता है कि इस शिक्षा में जाता हूं, यानी इस शिक्षा के साथ जाता हूं, ये जो पद्धति है इसके साथ जाता हूं, इसके, इसको मैं देखता हूं, इसको मैं चेक करके देखता हूं, इसको मैं देखूंगा कि ये कैसा है, इसको शरण बोलते हैं। यहां बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, धम्मं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, संघं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि। यहां जो ये तीन शरण हैं, इनमें बाकी सब बिल्कुल सेम है, सिर्फ बुद्धं, धम्मं और संघं ये तीन बदला हुआ है, तीनों की शरण में जाना है। बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, जीवित पर्यंतं जो शब्द है ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, जीवित, परि और अंत, यानी परि माने होता है चारों तरफ पूरा एकदम, और अंत माने लास्ट बिल्कुल आखिर, और जीवित माने जीवन, यानी जीवित परि अंतं का मतलब है, पर्यंतं का मतलब है कि मैं पूरे जीवन तक, यानी पूरे जीवन को, जितना मेरा पूरा जीवन है उसको, शरणं माने साथ रहूंगा या साथ जाऊंगा या मैं शिक्षा देखूंगा या मैं शरण में जाता हूं, जैसा शरण बोलते हैं। गच्छामि का मतलब जाता हूं। बुद्धं माने बुद्ध को, बुद्ध को का मतलब यहां पर किसी भी हालत में सिद्धार्थ गौतम नहीं है, ये ध्यान रखें कि सिद्धार्थ गौतम की शरण में कोई नहीं जा रहा है, सिद्धार्थ गौतम की शरण में कोई नहीं जा रहा है और जाएगा भी नहीं। जितने भी बुद्ध आए हैं, जितने बुद्ध होंगे और जितने बुद्ध हैं, उनकी शरण में जाने वाली बात है, क्योंकि बुद्ध वही होता है जिसको हाईएस्ट इंफॉर्मेशन बोधि प्राप्त हो रही, तो बोधि प्राप्त करने वाले को हम बुद्ध बोलते हैं। ये ठीक ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति अगर आज की डेट में यूनिवर्सिटी में जाता है और वो डॉक्टरेट करता है तो उसको हम डॉक्टर बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। किसके डॉक्टर के पास जा रहे हैं? हिस्ट्री के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिलोसफी के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, यानी कि उनका लेबल डॉक्टर का सेम है, हम नाम नहीं बता रहे, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो उसके जानकार है, तो हम उसकी जानकारी के पास जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर सुधीर दास सिंह के पास जा रहे हैं, क्योंकि सुधीर दास सिंह व्यक्ति है और डॉक्टर एक पोस्ट है, तो यहां जो बुद्ध है वो एक पोस्ट है, व्यक्ति नहीं है, नाम नहीं है। तो बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, यानी कि मैं बुद्ध के शरण में जाता हूं जीवन भर के लिए, और फिर बुद्ध की जगह, बुद्धं की जगह धम्मं और फिर संघं लगा देते हैं, तो तीनों हो जाता है। तो तीन शरण होती हैं, बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण। तो इसको ऐसे बोलेंगे, बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, धम्मं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, संघं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि। उसके बाद में हम कहते हैं, नत्थि में शरणं अय्यं, बुद्धों में शरणं वरं, एतेन सच वज्जेन जयसु जय मंगलं। ये तीन शब्द आते हैं, इसमें एक बार हम बुद्ध, एक बार धम्मो और एक बार संघो इस्तेमाल करेंगे, बाकी सेम डिटो वही रिपीट होता है। लास्ट में जो लाइन है उसमें हम कुछ थोड़ी बहुत फिर बदल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम कह सकते हैं सबका भला हो, कई बार हम कह सकते हैं कि मेरा भला हो, और कई बार हम कह सकते हैं कि तेरा भला हो, तो तेरा, मेरा, सबका भला की लाइन बदल जाती है, बाकी
बुद्धो धम्मो संघो, जो शरण है वो बदलती है, बाकी ठीक है, सारा का सारा एक सा है। नत्थी में शरणंग अयंग, नत्थी माने होता है नहीं, मे माने मेरी, शरणंग माने शरण को, और अयंग माने दूसरी यानी अन्य, यानी मेरी कोई अन्य शरण नहीं है। बुद्धो में शरणंग वरंग, और जो मेरी शरण है वो बुद्धों में है। शरण और वरंग का मतलब होता है सबसे अच्छी, वर जहां लग जाए, जैसे मान्यवर यानी कि जिसको माना है वो सबसे अच्छा है, या जो कहते हैं स्वयंवर जो होता है महिलाओं का, जिसको स्वयं चूज करते हैं वो सबसे अच्छा श्रेष्ठ, या जो कहीं अगर होता है ये कह सकते हैं हम के वर के जो पीछे लग लग जाता है, तो वर का मतलब श्रेष्ठ होता है किसी भी, जैसे मान्यवर है या जो मुनिवर है, मुनिवर का मतलब मुनियों में श्रेष्ठ हो गए। तो नत्थी में शरणंग अयंग, बुद्धों में शरणंग वरंग, एतेन सच वज्जेन, एतेन माने इससे, और सच वज्जेन माने सच जो बजा है, जो घोष हुआ है, सच वचन है, यानी जो सच्चे वचन है जो मैंने उद्घोष किया है सच्चे वचन से। जयसु जय मंगलं, जयसु जय मंगलं का मतलब है जय हो और जय मंगल हो, यानी जय हो और जय मंगल हो, ये पहला है। दूसरे में हम इसमें बुद्धों की जगह धम्मो कर देंगे। नत्थी में शरणंग अयंग, यानी नत्थी में नहीं है, मे माने मेरी, शरण माने शरण, अयंग माने दूसरी या अन्य। धम्मो में शरणंग वरंग, यानी धम्मो में जितनी भी शरण है वो मेरी सबसे अच्छी है, धम्म की शरण। एतेन सच वज्जेन, इस सच्चे घोषणा से, सच्चे वचन से, भवतु ते जय मंगलं, तेरा जय मंगल हो। भवतु माने हो, ते माने तेरा, और जय मंगल माने जय मंगल हो। और तीसरे वाले में आता है संघो। नत्थी में शरणंग अयंग, संघो में शरणंग वरंग, एतेन सच्च वज्जेन, भवतु सब मंगलं। यानी नत्थी में शरणंग अयंग, नत्थी में, नत्थी माने नत्थी और मे माने मेरी, नहीं है मेरी, शरण माने शरण, अयंग माने दूसरी, संघो में शरण, संघ में जो शरण है मेरी वो सबसे अच्छी है। एतेन सच वज्जेन, इस सच्ची घोषणा से, सच्चे वचन से, भवतु सब्य मंगलं, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। ये है शरण गमन जो साथ में है। मैं एक बार इसको पूरा पढ़ देता हूं, आप इसको रिपीट करें बार बार तो ये याद हो जाता है, जैसा लिखा हुआ आता है उसके हिसाब से धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। आप इसको डेली जब भी आपके पास टाइम हो आप इसको शब्द को देखते रहें, उसके हिसाब से बोलते रहें, और फिर ये धीरे धीरे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी इसके अर्थ के साथ में। बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, धम्मं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, संघं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, नत्थी मे शरणं अयं, बुद्धो मे शरणं वरं, एतेन सच वज्जेन, जयसु जय मंगलं, नत्थी मे शरणं अयं, धम्मो मे शरणं वरं, एतेन सच वज्जेन, भवतु ते जय मंगलं, नत्थी मे शरणं अयं, संघो मे शरणं वरं, एतेन सच वज्जेन, भवतु सब मंगलं। इसको आराम से आप पढ़ें। बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, धम्मं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, संघं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, नत्थी मे शरणं अयं, बुद्धो मे शरणं वरं, एतेन सच वज्जेन, जयसु जय मंगलं, नत्थी मे शरणं अयं, धम्मो मे शरणं वरं, एतेन सच वज्जेन, भवतु ते जय मंगलं, नत्थी
भक्ति में शरणं अय्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन भवतु सब मंगलं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.